एवरीबॉडी, आज फिर हम लोग एक क्वेश्चन एक टाइप का देखते हैं। कल हमने जो डिस्कस किया था उसको आप एनालाइज करें और सॉल्व करें। कुछ क्वेश्चन है उनसे रिलेटेड एक टाइप आज और हम लोग सॉल्व करेंगे। ये भी क्वेश्चन आते रहते हैं इससे रिलेटेड जो है, हम लोग क्या करेंगे एक सीरीज लेकर चलेंगे कि हर एक वीडियो में एक टाइप का अच्छा क्वेश्चन जो पेपर में अक्सर पूछा जाता है वो हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। और थोड़ी हेल्प करें, चैनल की ग्रोथ करवाएं, वीडियो को सब्सक्राइब करें, मतलब वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और लोगों से भी सब्सक्राइब करवाएं जिससे 1000 सब्सक्राइबर जल्दी से हो तो हम लोग लाइव आ जाएं, ठीक है। चलो अभी देख लेते हैं, आज हमने एक क्वेश्चन उठाया है और इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन हम लोग करेंगे। क्या है, किसी दो अंकी संख्या को दो बार साथ साथ लिख दिया गया, इससे वो चार अंकी संख्या बनाई जाती है। जैसे जैसे 15 15 37 37 XY XY, मतलब कोई भी दो डिजिट आप उठा लो और उनको दो बार रिपीट करके लिख दो। 15 15 लिख दो, 15 15 37 37 XY XY, 42 42, 77 या 76 76, अदरवाइज मतलब कोई भी टू डिजिट की नंबर उन्हें दो बार आगे पीछे लिख देना, रिपीट कर देना कुल मिलाकर। तो कह रहा है इस प्रकार की बनी संख्याएं हमेशा किससे विभाजित होंगी। देखो कुछ चीजें हैं, क्वेश्चन ऐसे हैं जो हमेशा वाले आते हैं, उनमें कुछ कॉन्सेप्ट तुम्हें दिमाग में रखना है जिससे तुम्हारे पास क्वेश्चन है तुरंत उसको अप्लाई कर लो, ठीक। जैसे हमारे पास क्वेश्चन के ऑप्शन भी हमने यहाँ पर लिखे हैं। अब देखो 15 15 हमें यहाँ पर दिखाई दे रहा है, लेकिन ये 15 से डिविजिबल नहीं होगा, काटोगे तो समस्याएं यहाँ पर क्रिएट होगी। अब तुम्हें हाँ यहाँ तो 15 मिल जाएगा, लेकिन यहाँ तो 15 नहीं मिलेगा ना, यहाँ तो 15 नहीं मिलेगा। कहने का मतलब इसके ये है कि वो संख्या हमें निकालना है जो हमेशा मिले इस प्रकार से। तो जब भी कभी ऐसा क्वेश्चन है तो एक बार हम समझा दे रहे हैं, बेसिक भी डायरेक्ट आप कर लो। जैसे मान लो यहाँ पर 15 15 लिखा है, ठीक। अब यदि इसको हम 1500 और 15 लिख दें तो कोई समस्या तो होने वाली है नहीं, 1500 15 को 1500 प्लस 15 लिख दें। अब यदि इस पूरी वैल्यू से हम 15 कॉमन ले लें तो वैल्यू अंदर क्या बचेगी, 100 प्लस 1 बचेगी। तो हम कह सकते हैं कि 15 गुणा 101 कितना आया, 101। मतलब हर एक दो अंक की संख्या, कोई भी दो अंक की संख्या हो उसमें यदि हम 101 का गुणा कर दें, 101 का गुणा कर दें तो वो अपने आप 2 टाइम रिपीटेड हो जाती है। अब ये जरूरी नहीं कि ऐसा ही क्वेश्चन आए, बहुत जगह इसका यूज होगा। बस तुम दिमाग अपना खुला रखो और क्वेश्चन को देखते ही आइडिया लगाओ कि क्या है, किसका यूज यहाँ पर हो रहा है। तुम्हें ध्यान रखना हमेशा कि टू डिजिट, कोई भी टू डिजिट है, टू डिजिट की वैल्यू है, उसमें यदि 101 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो 101 का मल्टीप्लाई करते ही रिपीटेड हो जाएगी। देखो जैसे मान लो हमने ये वैल्यूज लिखी है, इसको हम रब कर देते हैं, ठीक है, ये समझ में आ गया ना। हम मान लो कोई एक और वैल्यू बना के आपको दिखाते हैं। जैसे मान लो हमारे पास यहाँ पर 47 लिखा है, अब हमें 47 में यदि हम 101 का मल्टीप्लाई कर दें तो तुरंत 47 बन के तैयार हो जाएगा। आई बात समझ में, एनी टू डिजिट नंबर मल्टीप्लाइड बाई 101 रिपीटेड बाई 2 टाइम। एक्स वाई में 101 का मल्टीप्लाइड करो वैल्यू बाई XY XY, यहां से एक वैल्यू क्या निकली, कुछ भी आ जाए। जैसे बोल दे कि ऐसी कौन सी संख्या है जिसको दो डिजिट वाली संख्या में मल्टीप्लाई कर दे तो वो रिपीट हो जाए, वो हमेशा बनी होगी संख्या, तो वो संख्या कौन सी है, 101, राइट। अब देखते हैं, मान लो एक चीज तीन के लिए आ जाती, जैसे ये क्वेश्चन हमने लिखा है 2 3 2 3 2 3 या XY XY XY। अब देखो ये याद नहीं करना, अभी हम समझाएंगे शॉर्ट ट्रिक जिसकी है। इसको लिखोगे आप तो क्या होगा, 2 3 और 4 टाइम 0 प्लस 2 3 2 टाइम 0 प्लस 2 3, एक कर लो अपने आप सॉल्व हो जाएगा। यदि यहां से हम 23 कॉमा ले लें तो वैल्यू क्या बनेगी, 10,000 प्लस का 100 प्लस का 1। इसको यदि हम सॉल्व करें तो वैल्यू आएगी 10101। एनी टू डिजिट नंबर, कोई भी दो अंक की संख्या मल्टीप्लाइड बाई 10101, एक दो अंक की संख्या में यदि हम 10101 का मल्टीप्लाई करते हैं तो वो हमेशा 3 टाइम रिपीटेड हो जाएगी। जैसे एक्स वाई हमारे पास दिया है, इसमें यदि 10101 का मल्टीप्लाई करते हैं तो तुरंत बन जाएगा XY XY XY। यहाँ पर एक्स वाई की जगह कुछ भी लिख सकते हैं, एक्स कामा वाई बराबर 0 से नहीं लिखेंगे, 0 से 2 डिजिट बनेगा नहीं, 129 कुछ भी लिख सकते हो आप, एनी टू डिजिट नंबर, ठीक। अब इतना जो वैल्यू हम लोग याद तो कर नहीं सकेंगे तो दिमाग में रखना। अब जो यही शॉर्ट ट्रिक है आपके लिए क्या है वो देखो, ये कहानी समझ में आ गई। दो डिजिट संख्या हो
और जितने बार रिपीट हो, जैसे हम बोल दें 47 47 47 47, दो डिजिट संख्या जितने बार रिपीट हो, यहाँ कितने बार रिपीट है, चार बार, जितने बार रिपीट है उतने वन लिख दो, राइट, जितने बार रिपीट है उतने वन लिख दो। इसके बाद जितने डिजिट हैं, जितने डिजिट की जो डिजिट रिपीट हो रहे हैं, जैसे दो डिजिट रिपीट हो रहे हैं तो दो में एक कम, जितने भी डिजिट रिपीट हो उनमें एक कम कर दो, तो कितना बचा है एक, उतने जीरो बीच बीच में पिक कर दो। क्या किया हमने, चार बार रिपीट थी, चार बार एक लिख दिया, जितने अंक की संख्या थी, जितने अंक रिपीट हो रहे थे उसमें एक घटा दो, तो दो में घटाया एक आया, उतने ही जीरो बीच बीच में क्लिक कर दो, बीच बीच में लगा दो, तो डायरेक्ट आंसर हमारे पास कितना आएगा, 10101। इससे तुम्हें याद नहीं करना पड़ेगा, लटनेटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जैसे मान लो ये चीज है, बड़ा क्वेश्चन हम कर दें, वैल्यू आई हमारे पास 423 423 423। अब मान लो यदि तुम्हें ये लॉजिक पकड़ में आ गया तो तुम बहुत जल्दी कर लोगे, नहीं आया तो थोड़ा सॉल्व करना पड़ेगा। देखो तीन डिजिट है, तीन डिजिट को तीन बार रिपीट किया है, तो हमने कहा क्या करना है, तुम्हें तीन बार, जितनी बार रिपीट उतने वन, तो वन वन वन, ठीक। जितने डिजिट रिपीट हो रहे हैं उनमें एक घटाओ, तो तीन में घटाओगे दो आएगा, तो बस दो जीरो बीच में। तो हम कह सकते हैं कि यदि एक्स वाई जेड में 100101 का मल्टीप्लाई करें तो वैल्यू आ जाएगी एक्स वाई जेड, मतलब ये डिजिट जो है ये तीनों डिजिट तीन बार रिपीट हो जाएंगे, ठीक है। मतलब कुछ भी तुमसे पूछे, मान लो यहां पर और भी बड़ी वैल्यू आ जाती, जैसे आ जाती 2 3 4 5 6 2 3 4 5 6 या a b c d e, इस प्रकार से बनी समस्त संख्याओं को विभाजित करने वाली संख्या, तो टेंशन नहीं लेना, दो बार रिपीट है, दो डिजिट लगाओ, दो बार एक, कितने डिजिट की है, 1 2 3 4 5, पांच डिजिट को दो बार रिपीट किया है, एक कम घटाओ कितने है, चार, चार जीरो लगाओ, खत्म, आंसर, ठीक। अब इसमें कभी कभी और भी वैल्यू बन जाती, क्या बन जाती, जैसे हम क्वेश्चन बताते हैं, जैसे बोलेगा 23 23 23 या 47 47 47 या 89 89 89, इस प्रकार की बनी समस्त संख्याओं को हमेशा विभाजित करने वाली, इस प्रकार की बनी समस्त संख्याओं को हमेशा विभाजित करने वाली संख्या के अंकों का योग क्या होगा, देख रहे हैं, इस प्रकार से बनी समस्त संख्याओं के अंकों का योग क्या होगा। अब ऐसे बेसिक करोगे तो आप परेशान हो जाओगे, कुछ दिमाग ज्यादा दिमाग का ही नहीं करना, बस सोचो जितनी बार रिपीट है कितनी, 1 2 3, तो तुम्हें पता है एक तीन बार लिख दिया, दो डिजिट थे तो तुम्हें पता है घटा के लिख देना 0 0 0। अब यदि इनका डिजिट सम आप निकालोगे अंकों का योग तो कितना आएगा, 1 1 1 3 आएगा। तो अब ये सब उल्टा सीधा नहीं करना, इतनी मेहनत नहीं करना, जब भी कभी ऐसा हुए आए क्वेश्चन और पूछे हमेशा विभाजित करने वाली संख्या के अंकों का योग बताओ, तो कुछ नहीं, जितने बार रिपीट हो बस उतना आंसर, तीन बार रिपीट है तीन आंसर, इसका भी तीन आंसर, इसका भी कितना, या हम कह सकते हैं ऐसी समस्त संख्याओं का आंसर कितना होगा, तीन। जैसे हम बोल लें 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3, इस प्रकार की बनी समस्त संख्याओं को विभाजित करने वाली संख्या के अंकों का योग क्या होगा, कोई टेंशन नहीं लेना, 1 2 3 4 5, जितनी बार रिपीट हो बस उतने आंसर। अभी सवाल समझ में, बस आज के लिए इतना ही। आप वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, कमेंट करें और जल्दी से जल्दी 1K सब्सक्राइबर बनाएं, जिससे हम लोग लाइव आ पाए, ठीक।